नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आज एक बार फिर से हम आपको नए वीडियो की ओर ले चलते हैं। जिस प्रकार से लगातार चुनाव में स्टार प्रचारकों का आना जारी है और लगातार समीकरण ऊपर नीचे हो रहे हैं, जिस प्रकार से पार्टी में आपसी बगावत और स्टार प्रचारक जिस प्रकार से लगातार अलग अलग इलाकों में अलग अलग तौर पर आ रहे हैं और अलग अलग स्टार प्रचारक आ रहे हैं, उससे काफ़ी इधर उधर फ़र्क पड़ रहा है। वोटों में कितना फ़र्क पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सीटों को लेकर भी लगातार अलग अलग सर्वे, ओपिनियन और बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है, बहुत सारी शर्तें सामने आ रही है, बहुत सारे भविष्यवाणियां सामने आ रही है। आज हम एक बार फिर से आपके सामने एक अलग अलग स्रोतों से एक बेहतरीन आपके लिए ओपिनियन लेकर आए हैं भी आखिर राजस्थान में हो क्या रहा है, कहाँ पर क्या कौन जीत सकता है और कितनी किसकी सरकार बन सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे टोंक की। टोंक में चार जो विधानसभा सीटों हैं उसका सर्वे है, जिसमें से एक इंडियन नेशनल कांग्रेस और तीन जो है बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई गई है। झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ में चार विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने आया है, जिसमें एक इंडियन नेशनल कांग्रेस, दो बीजेपी के खाते में, तो वहीं एक अदर्स के खाते में जाती हुई दिखाई गई है। बाड़मेर जिले की बात करूं तो सात विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने आया है, जिसमें से दो इंडियन नेशनल कांग्रेस, चार बीजेपी और एक कांग्रेस के खाते में जाती हुई बताई गई है। यहां पर बीजेपी बड़े तौर पर दो से ज़्यादा सीटों का बढ़त बनाए हुए हैं और इसी के साथ यहां पर एक आदर्श को भी बड़ा मौका मिलने वाला है। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में पांच विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने आया है, जिसमें से दो इंडियन नेशनल कांग्रेस और तीन जो है वो भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई गई है। यहाँ पर भी भाजपा एक सीट प्लस जा रही है। वहीं बात करें कोटा की तो कोटा की छह विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने आया है, जिसमें से दो कांग्रेस के खाते में तो वहीं तीन बीजेपी के खाते में जाती हुई बताई गई है। वहीं एक सीट जो है वो आदर्श के खाते में जा सकती है, जिसमें से कोई क्षेत्रीय दल हो सकता है, बड़ी पार्टी हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें जो है अब की बार जिस प्रकार से लगातार समीकरण बदल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर रोज़ हवा बदल रही है, हर घंटे, दो घंटे और चार घंटे बाद जिस प्रकार से बड़ी सभा हो जाती है उसके बाद समीकरण जो है उस बदल दिए जाते हैं। डूंगरपुर की बात करूँ तो डूंगरपुर में चार विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने आया, जिसमें से दो बीजेपी और दो कांग्रेस। डूंगरपुर ज़िले में ऐसा लग रहा है जैसे दोनों ही पार्टियों में कड़ा मुकाबला रहने वाला है। वहीं जालौर की बात करें तो जालौर में दो इंडियन नेशनल कांग्रेस और तीन बीजेपी के खाते में जाती हुई बताई गई है। यहाँ पर भी दोनों पार्टियों में कड़ा मुकाबला है, लेकिन बीजेपी एक ज़्यादा सीट ले जा सकती है। बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा की पांच विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने आया, जिसमें से दो कांग्रेस और तीन बीजेपी के खाते में दिखाई गई है। इसके अलावा आठ सीकर की आठ विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने है, जिसमें से तीन इंडियन नेशनल कांग्रेस और पांच जो है बीजेपी के खाते में। यहां पर दो सीटों का बढ़त जो है बीजेपी बना सकती है, ऐसा एक अनुमान है। अजमेर की बात करें तो अजमेर के आठ विधानसभा का अनुमान सामने है, जिसमें से दो इंडियन नेशनल कांग्रेस और छः जो है सीधे तौर पर बीजेपी के खाते में जा सकती है। अजमेर में बहुत बड़ा उथल पुथल या बहुत बड़ा फेरबदल इस ओपिनियन में दिखाया गया है। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर की सात विधानसभा सीटों का अनुमान सामने आया है, जिसमें से दो इंडियन नेशनल कांग्रेस, चार भाजपा और एक सीट जो है वो अदर्श को जा सकती है, यानी भरतपुर ज़िले में अदर्श भी कमाल कर सकते हैं। अगले अलवर ज़िले की बात करें तो अलवर की 11 विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने आया, जिसमें से चार कांग्रेस और सात भाजपा, यानी यहां पर सीधे तौर पर भाजपा जो है कांग्रेस को बड़ी टक्कर देती हुई नज़र आ रही है। हालांकि कांटे की टक्कर रहने वाली है, लेकिन इस अनुमान के अनुसार तीन सीटें जो ज़्यादा भाजपा ले जा सकती है। नागौर की अगर बात करूँ तो नागौर की 10 विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने आया है, जिसमें से तीन कांग्रेस, तीन बीजेपी और चार सीधे तौर पर आदर्श पार्टी को जा सकती है, यानी निर्दलीय, आरएलपी या अन्य पार्टियां या गठबंधन वाली पार्टी को चार सीटें जा सकती है नागौर ज़िले से। ये बड़ी अपडेट है। और जोधपुर ज़िले की बात करूँ तो जोधपुर ज़िले की 10 विधानसभा सीटों का जो सर्वे सामने आया है, जिसमें से छः इंडियन नेशनल कांग्रेस, चार भाजपा के खाते में लग रहा है चली जाएगी। और इसके अलावा धौलपुर की बात करें तो धौलपुर की चार विधानसभा सीटों में से एक जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में, तो वहीं तीन बीजेपी के खाते में दिखाई गई है। यहाँ पर बीजेपी आगे रहने वाली है। जयपुर की बात करें तो जयपुर की 19 विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने आया है, जिसमें से छः कांग्रेस और 12 बीजेपी के खाते में और एक
निर्दलीय के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा एक अनुमान लगाया गया है। बड़ा अपडेट यही है, अभी 6 से ज़्यादा सीटें जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुकाबले भाजपा ज़्यादा ले जा सकती है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर की 8 विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने आया है, जिसमें से 2 इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में और 6 बीजेपी के खाते में जा सकती है। तो वहीं बात करें करौली की, तो करौली की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने है, जिसमें से 1 कांग्रेस के खाते में तो वहीं 2 बीजेपी के खाते में जा सकती है। सिरोही की बात करें तो सिरोही की 3 विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने आया, जिसमें से 2 इंडियन नेशनल कांग्रेस और 1 बीजेपी के खाते में जा सकती है, ऐसा एक अनुमान लगाया गया है। बीकानेर ज़िले की बात करें तो बीकानेर की 7 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने है, जिसमें से 3 इंडियन नेशनल कांग्रेस और 4 भाजपा के खाते में, यानी बीकानेर ज़िले में बड़ी टक्कर दोनों पार्टियों में रहने वाली है। लेकिन बावजूद इसके इस सर्वे के मुताबिक 1 सीट जो है वो भाजपा ज़्यादा ले जा सकती है। गंगानगर ज़िले की 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने है, हालांकि 6 थी, 1 विधानसभा सीट पर करणपुर में प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का देहांत हो जाने की वजह से वहां पर चुनाव स्थगित कर दिया गया। 5 विधानसभा सीटों में से 4 बीजेपी के खाते में, कांग्रेस के खाते में जा सकती है। जी हाँ, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। टोटल हमने अभी आपको करीबन 114 सीटों के आसपास जो है हमने आपको ये तमाम सीटें बताई है। इन अगर तमाम अगर इन सीटों की सॉरी 144 सीटों के बारे में हमने आपको बताई है। अगर इन 144 सीटों की अगर मैं बात करूं तो 144 सीटों में इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 50, तो वहीं बीजेपी के खाते में 84 सीटें जाती हुई बताई गई हैं। वहीं अदर्स 20 दौरान जो है 10 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, यानी इस बार अदर्स का भी बड़ा बोलबाला इस ओपिनियन सर्वे में बताया गया है। जिस प्रकार से 144 सीटों का जो सर्वे, जो रुझान, जो अनुमान सामने आया है, उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं आगे जरूर चल रही है, लेकिन अब की बार ऐसा लग रहा है जैसे अदर्स भी बहुत बड़ा फ़ायदा जो है दोनों पार्टियों के भीतर घाती को लेकर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएँ। जय हिंद, वंदे मातरम।